हाय, दिस इज कुणाल कपूर और गुरपुरब की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस गुरपुरब मैं आपको बनाने सिखाऊंगा कड़ा प्रसाद। बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी होता है और इसे आप गुरुद्वारे में तो खाते हैं लेकिन घर पे भी आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पानी और चीनी और इसका एक पतला शीरा बनाएंगे। फिर दूसरी तरफ हम घी के अंदर आटे को भूनेंगे और उसके बाद उस शीरे को उस आटे के अंदर मिलाएंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं 2 cups ऑफ वाटर। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इसमें जाएगी 1 cup शुगर। अब हम एक क्विक बॉईल देंगे। चाशनी नहीं बनानी, ऐसा नहीं करना कि हमें के एक तार की है, दो तार की चाशनी बनानी है। बस एक बार बॉईल करना है कि जो चीनी है वो घुल जाए। और जब कड़ा प्रसाद बनता है इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी इलायची की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मेन फ्लेवर आता है वो आता है घी से और आटे से। जब घी के अंदर, शुद्ध देसी घी के अंदर आटे को हम ढंग से भूनते हैं। Alright, just give a quick stir. Let it boil. चीनी घुल चुकी है, so that's it. Like I said, चाशनी नहीं बनानी, just चीनी को घोलना है। Again, बहुत ही simple सी recipe है। ये है घी, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी आटा, 1 बारीक आटा नहीं, मोटा दरदरा आटा है जो चक्की पे पीसा होता है, दैट इज द बेस्ट आटा। जस्ट इन केस आपके पास वो नहीं है तो वो माहिम बारीक वाला भी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो कड़ा प्रसाद है, आई रिमेंबर जब हम छोटे होते थे हम लोग लाइन में दोबारा दो दो बार तीन तीन बार सिर्फ इसलिए लगते थे क्योंकि हमें वो प्रसाद खाना होता था और हाथों में गर्मा गर्म आता था, पूरे हाथ में घी सन जाता था, लेकिन पूरा आराम से चाटते हुए फिर से दोबारा लाइन में। और कभी कभार बहुत गर्म होता था, यू शुड जस्ट कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन हैंड टू द अदर। लुक एट दैट आटा बबलिंग इन द घी। बी केयरफुल, क्योंकि ये लाइट ब्राउन से वेरी डार्क ब्राउन से लेकर बर्न बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए ऑलवेज मीडियम से स्लो आंच पे से आराम से पकाना है और कंटिन्यूसली स्टर करना है। तब तक स्टर करना है जब तक के अंदर इसके अंदर एक सैंडी टेक्सचर ना आ जाए। सैंडी टेक्सचर यानी कि बिल्कुल दरदरा सैंड जैसा टेक्सचर। आई शो यू जब वो स्टेज आएगी। तो कहता कलर चेंजिंग ना, एक ब्लॉन्ड कलर हो गया इसका, यानी कि लाइट ब्राउन, बट वी हैव टू टेक इट टू अ रिच डार्क इवन ब्राउन। इट इज़ सच अ सिंपल डिश और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी भुनाई। अगर भुनाई में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई देन द एंड डिश इज जस्ट एवरेज, वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। लुक एट दैट, इसमें हल्का हल्का ग्रेन सा आ रहा है, दाना सा आ रहा है। इफ यू लुक क्लोजली, पहले एक स्लरी सी थी और अब एक दाना सा पड़ रहा है इसके अंदर। दिस इज़ द राइट स्टेज। इस स्टेज पे बिल्कुल भी इसे नहीं छोड़ना, कंटिन्यूसली हिलाना है एंड ये बहुत ही जल्दी डार्क ब्राउन से बर्नट हो सकता है, इसलिए जब ये एक इवन कलर आ जाए इसके अंदर हम वो शुगर और वाटर का मिक्सचर डालेंगे। राइट, पहले लगेगा कि पानी बहुत ज़्यादा है बट देन यू रियलाइज
कि जो आटा है वो पूरे के पूरे पानी को अच्छे से खपा लेगा। एंड ये रहा हमारा हलवा, कहता है ब्यूटीफुल आटे का हलवा जिसे हम कड़ा प्रसाद भी बोलते हैं। और इसे अब हमें हल्की आंच पे अगेन भूनना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। एंड एज वी कुक वी विल सी कि इसके अंदर जो घी है वो धीरे धीरे साइड्स पर आना शुरू हो जाएगा। ऑल राइट, फाइनल स्टर। एंड ये रहा हलवा, इट इज़ रेडी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर गार्निश के लिए या फिर इसके अंदर नट्स भी डाल सकते हैं। मुझे बिना नट्स के बहुत अच्छा लगता है और ये एक ऐसा हलवा है जो बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। सो वंस अगेन गुरपुरब की आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।